बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली. मैं ये जैसे लैशेस लगाई गई हैं, ये मैं ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, आई थिंक काफ़ी सालों से नहीं लगाती हूँ, लेकिन आज बहुत आई थिंक थोड़े सालों के बाद मैंने लैशेस लगाई है. लेकिन नेचुरल लग रहा है और नेचुरल लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि यू नो कि लैशेस लगे हुए हैं, एकदम नेचुरल लग रहा है. स्ट्रिक्ट दिस थिंग फॉर स्मिता दैट शी हैज टू अप्लाई. एग्जैक्टली, श्वेता वही कह रही थी कि नहीं स्मिता ये अच्छा दिखता है अब से, ये तुम लगाना पक्का जरूर. तो दिस इज वेरी न्यू फॉर मी. और जिस तरह से उन्होंने स्मोकी आईज की है, मेरे लिए नया टेक्निक था, तो मैं भी सीख रही थी. मैं दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैं सामने वाले मिरर में से थोड़ा थोड़ा देख के अपना सीख रही थी. इट वॉज वेरी नाइस जो सेंटर में उन्होंने डार्क करके फिर स्मच किया था साइड में, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, नया लुक है, कुछ नया सीखा मैंने आज सीखा है. तो थैंक यू सो मच पिंकी. आप बेसिकली मंसूर में क्या चीज़ें फॉलो करती है खुद के पर्सनल लाइफ में, ना कि मेकअप आर्टिस्ट का ऐसा कोई टिप्स हो, लेकिन खुद की लाइफ में क्या करते हैं? वैसे मानसून हम कहते हैं, लेकिन इतना तो हम बाहर नहीं जाते कि हम भीग गए. तो वी इधर ट्रैवलिंग, अगर भीगना पड़ा तो वही होता है गाड़ी से उतर के, जब आप इवेंट में जा रहे हो कहीं जा रहे हो, तो दैट इज़ द ओनली टाइम. मुझे मैसी बाल बहुत पसंद है और मैं ज़्यादा रफल्ड और मैसी ही रखना पसंद करती हूँ. और स्पेसिफिकली कुछ स्पेशल केयर या ऐसा कुछ खास नहीं लेती हूँ, बिकॉज जो आई लाइनर और समथिंग उतना ही वाटर प्रूफ रहता है, बिकॉज अदर अलग टाइम में भी हम आई थिंक वाटर प्रूफ मस्कारा ही इस्तेमाल करते हैं यूजली. तो अपार्ट फ्रॉम दैट, इनफैक्ट बहुत सारे शूटिंग के टाइम हम स्विमिंग पूल में शूट करते हैं, तो दैट टाइम ऑल्सो आई थिंक यू गाइज डू अ वेरी लवली जॉब, एकदम इंटैक्ट, एवरीथिंग इज फाइन लगता ही नहीं. मुझे पहले लगता था सारा काजल निकल जाएगा या समथिंग, बट शी वाज जस्ट शोइंग जेल लाइनर, जो जेल लाइनर है वो भी अंदर लगा सकते हो, दैट विल नॉट रन आउट. सो दैट इज, सो यानी रोते हुए भी मैं सुंदर दिखूंगी सीन्स में. तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला. और ड्रेस को लेके आप क्या चीज़ें ध्यान रखती हैं? ड्रेस को लेके मेरे लिए कंफर्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. तो फिर इवेंट बहुत, इंडिया इतनी इट्स अ वेरी वर्सेटाइल कंट्री, इतनी वर्सेटाइल है ना, यानी आप सारे ट्रेडिशंस, सारे जॉनर्स, सब कुछ एक ही इंडिया में भरा हुआ है. जैसे हम कहीं फेस्टिवल में जा रहे हैं तो हमारे क्लोथ ड्रेसिंग अलग हो जाती है, कहीं और जा रहे हैं अलग हो जाती है. तो माई सेल्फ बेसिकली आई फील आई एम वेरी वर्सेटाइल. जहाँ पे बाइकर बनना है वहाँ पे मेरे एटीट्यूड चेंज हो जाता है, कपड़े चेंज हो जाते हैं, और कहाँ इवेंट में जाना है तो कपड़े चेंज हो जाते हैं. इनफैक्ट मैं रिसेंटली एक बाइकर एक इवेंट कर रही थी और उनको पूछ, इट वॉज अ बाइकर्स इवेंट, और मैं उनको पूछ रही थी, मैं कन्फ्यूज हूँ, शुड आई कम देयर एज अ बाइकर और शुड आई कम देयर एज एन एक्ट्रेस. तो मैं बहुत कन्फ्यूज थी. लेकिन बहुत सारी जैसे मराठी फिल्म में ज़्यादा करती हूँ मैं, तो इंटीरियर महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में काफ़ी इवेंट्स हो जाते हैं, तब भी मुझे ड्रेसिंग का अलग से ख्याल रखना पड़ता है कि मैं उनमें उनकी जैसे लगूँ, बट एट द सेम टाइम आई हैव टू लुक लार्जर देन लाइफ. यानी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, उस लोकल ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए मुझे ड्रेसिंग करना पड़ता है, बट इट हैज़ टू स्टैंड आउट, इट हैज़ टू बी लिटिल लार्जर देन लाइफ. मैं इंटीरियर्स में जाके छोटे कपड़े या शॉर्ट ड्रेस या गाउन्स ये पहन के नहीं जा सकती, वहाँ का ड्रेसिंग अलग हो जाएगा, लेकिन उसकी स्टाइलिंग अलग हो जाएगी, मेकअप थोड़ा अलग हो जाएगा. बट आई थिंक मेकअप मोरल इज़ द सेम, आई थिंक फॉर मोरल इज, उसमें उतना नहीं, ओनली हैवी करना है, लाइट करना है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है, वो ये सारी चीज़ें करते हैं हम. लेकिन क्लोथिंग आई हैव टू ऑलवेज सी कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओकेजन में जा रहे हैं, क्या फंक्शन है, और लोकेशन क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट. कहीं ऐसा भी होता है कि कहीं यू नो यॉट पे कहीं जा रहे हो या कहीं ओपन एरी जगह जा रहे हो, वहाँ पे हम ड्रेसेस पहन, सीजन्स सबका एक चार्म होता है, और किसी एक को चूज़ करना सही नहीं होगा. मॉनसून मुझे बहुत पसंद है, लेकिन भीगना है, भीगना तो पूरी तरह भीग जाओ, जैसे हम पूरा दिन जैसे पिकनिक पे है कहीं गए, भीगना है तो पूरी तरह भीग जाओ, अगर नहीं तो फिर ज्यादा भीगना पसंद नहीं आता. लेकिन घर पे बैठ के अच्छा सा मॉनसून देखो, वी हैव अ नाइस व्यू, चाय पियो एग्जैक्टली. मॉनसून आई जस्ट वांट टू सिट एट होम एंड वॉच द रेन्स, स्पेशली बॉम्बे में, मुंबई में यहाँ पे भीगना इतना पसंद नहीं आता. लेकिन हाँ, अगर मैं कहीं बाइक राइड पे जाऊँ या कहीं ऑफ रोडिंग जाऊँ तो ज़रूर मुझे भीगना बहुत पसंद आएगा, डेफिनेटली.